तो हो गया टीम इंडिया का ऐलान T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए। जी हाँ, BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है आगामी T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए, जबकि 3 रिजर्व खिलाड़ी यानी कि बैकअप खिलाड़ी को भी चुना गया है T20 विश्व कप 2021 के लिए। तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम का कन्फर्म और फाइनल टीम स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए, जो कि अभी अभी BCCI ने खुद ऐलान किया, ऑफिशियल तौर पर कन्फर्म फाइनल हो चुका है। तो कुछ इस तरह से 15 खिलाड़ियों का टीम स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए। नंबर 1 पर विराट कोहली भारतीय कप्तान, नंबर 2 रोहित शर्मा उप कप्तान, नंबर 3 KL राहुल, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 6 ईशान किशन विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 7 हार्दिक पांड्या, नंबर 8 रविंद्र जडेजा, नंबर 9 राहुल चेर, नंबर 10 रविचंद्र अश्विन, नंबर 11 अक्षर पटेल, नंबर 12 वरुण चक्रवर्ती, नंबर 13 जसप्रीत बुमराह, नंबर 14 भुवनेश्वर कुमार, नंबर 15 मोहम्मद शमी। तो T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए ये रहे 15 खिलाड़ी जो कंफर्म हो चुके हैं, ऑफिशियल तौर पर BCCI ने अनाउंस कर दिया है, ऐलान कर दिया है T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए ये 15 खिलाड़ी मेन टीम स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, जबकि इसके अलावा BCCI ने 3 बैकअप खिलाड़ी यानी कि रिजर्व खिलाड़ी को भी चुना है T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए, जो भारतीय टीम के साथ जाएंगे। अगर कोई भी भारतीय खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, चोटिल हो जाता है, तो रिजर्व खिलाड़ी को मेन स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा उस खिलाड़ी के बैकअप के तौर पर, उस खिलाड़ी की जगह पर। तो बैकअप खिलाड़ियों की लिस्ट कुछ इस तरह से है। पहले खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर, दूसरे खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर और तीसरे खिलाड़ी दीपक चहर। तो इन 3 खिलाड़ियों को बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। तो गाइस, ये रहा टीम इंडिया का पूरा कंफर्म टीम स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए, 15 सदस्यीय मेन टीम स्क्वाड और 3 बैकअप खिलाड़ी, जो कि यहां पर टीम से कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है, तो वहीं कई सारे शानदार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कुछ सरप्राइज भी एंट्री हुई है, जैसे कि रविचंद्र अश्विन जैसे खिलाड़ियों की T20 वर्ल्ड कप 2021 में। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं भारतीय टीम के शेड्यूल और कार्यक्रम के बारे में T20 वर्ल्ड कप 2021 में, कि भारतीय टीम T20 विश्व कप 2021 में टोटल कितने मुकाबले खेलने वाली है, किन किन टीमों के खिलाफ मैचेस खेलेगी, कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे भारतीय टीम के मुकाबले। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। तो क्रिक नेक्स्ट एप्लीकेशन पर देखो टीवी से 4 बॉल पहले लाइव स्कोर, यही नहीं लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज अपडेट, सबसे पहले मैच शेड्यूल, प्लेयर्स और टीम के रैंकिंग, कमेंट्री और हर मैच की प्रेडिक्शन, वो सभी इस ऐप में आपको मिलेगा जो एक क्रिकेट लवर चाहता है। तो देरी किस बात की, अभी डाउनलोड करो क्रिक नेस्ट एप्लीकेशन को। इस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा इस ऐप का ऑफिशियल इंस्टा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें नीचे दिए गए लिंक से। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो टीम इंडिया का शेड्यूल कुछ इस तरह से है T20 वर्ल्ड कप 2021 में, जहां भारतीय टीम को टोटल 5 ही मुकाबले खेलने हैं। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर 2021 को खेला जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा 7:30 PM से। तो वहीं टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला T20 विश्व कप में खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 अक्टूबर 2021 संडे को 7:30 PM से। यह मैच भी दुबई में खेला जाएगा। तो वहीं तीसरा मैच भारतीय टीम खेलेगी T20 वर्ल्ड कप 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 नवंबर 2021 वेडनेसडे को अबू धाबी में 7:30 PM से। तो वहीं टीम इंडिया अपना चौथा मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2021 में क्वालिफाइड टीम के खिलाफ खेलेगी B1 के खिलाफ, जो कि यह मैच 5 नवंबर 2021 फ्राइडे को खेला जाएगा दुबई में 7:30 PM से। तो वहीं टीम इंडिया अपना पांचवा मुकाबला खेलेगी क्वालिफाइड टीम के ही खिलाफ A2 के खिलाफ, जो कि यह मैच भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा 7:30 PM से, और यह मैच 8 नवंबर 2021 मंडे को खेला जाएगा। तो टीम इंडिया का यह शेड्यूल और कार्यक्रम है T20 वर्ल्ड कप 2021 में, सेमीफाइनल और फाइनल से पहले यह 5 मुकाबले खेलेगी। अगर बढ़िया प्रदर्शन करती है, अपने ग्रुप में टॉप पर रहती है, टॉप 2 में रहती है, तो फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जहां 5 मुकाबले हैं और इन 5 मैचों में से भारतीय टीम को 4 मुकाबले जीतने होंगे सेमीफाइनल में अपनी जगह 100% पक्की करने के लिए। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2021 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर 2021 को खेला जाएगा, जो कि ओमान और UAE में खेला जाएगा। इस बार का यह टूर्नामेंट है जिसमें टोटल 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। इन 16 टीमों के बीच टोटल 45 मुकाबले खेले जाएंगे।